हेलो गाइस, दिस इज़ सुदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग क्रिप्टो बिगिनर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैन नंबर कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बता दूं, अगर जो आप बाइनेंस में पीयर टू पीयर ट्रेड करते हैं तो आपको TDS जरूर पे करना होगा, और TDS पे करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए आपको एक टैन नंबर की ज़रूरत होती है। तो आप बिना टैन नंबर के TDS डिपॉजिट भी नहीं कर सकते और TDS फाइल भी नहीं कर सकते और यहाँ पे टैक्स फाइल भी नहीं कर सकते। तो आपको टैन नंबर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र में एक वेबसाइट ओपन करनी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, www.tinnhdl.com। ये वेबसाइट ओपन करनी है आपको। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, पॉपअप आएंगे, फिर आपको ऊपर सर्विसेज का टैब मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, फिर आपको एक टैन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे टैन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो फॉर्म मिलेंगे, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू टैन। आपका टैन नहीं बना है तो आप न्यू टैन चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर जो आपका टैन में कोई करेक्शन कराना है तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा PDF में। फिर इसके बाद गाइज, आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करके यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। सेव करके इसका आप प्रिंट आउट निकाल लेना, और यहाँ पे मैं भरने के लिए बता रहा हूँ आपको क्या क्या भरना है। तो ये फॉर्म है, सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन आना है, नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन आना है। यहाँ चौथे पेज पे आपको टिक इंडिविजुअल पे टिक करना है, क्योंकि आप इंडिविजुअली ही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। फिर आपको सर नेम, लास्ट नेम, पहले जैसे मेरा नाम स्वदेश सिंह है तो पहले सिंह लिखना है, फिर फर्स्ट नेम मेरा नाम स्वदेश है, स्वदेश सिंह, तो फर्स्ट नेम में स्वदेश लिखना है, लास्ट नेम में सिंह लिखना है। अगर जो आपको कोई मिडल नाम है जैसे कृपा शंकर मिश्रा तो यहाँ पे आप बीच में शंकर डाल सकते हैं। फिर आपको कुछ नहीं भरना है, फिर आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके, फिर आपको यहाँ पे एड्रेस, आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, और फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। फिर आपको नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर देनी है, और फिर आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर फिल करना है। मैंने यहाँ पे ऐसे डेमो के लिए डाल दिया है पैन नंबर। फिर आपको डेट डालनी है जिस डेट को आप ये फॉर्म भर रहे हैं, और अपना यहाँ पे एक साइन करना है, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है इंडिविजुअल, और वही सेम डेट फिर आपको यहाँ पे नीचे डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे एक सेम डेट डाल देनी है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आपको एक साइन लगेगा, और यहाँ पे आपकी लोकेशन, आप यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं विलेज में, अब अपनी सबसे यहाँ पे नियरेस्ट लोकेशन यहाँ पे आप डाल देना। देखिए गाइस, इतना तो आसान था, पर इसके बाद आपको थोड़ा लेंदी प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर जो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मैं PDF आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको क्या करना होगा, एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे 65 रुपीज़ का बनेगा, और इसके लिए आपको बैंक में जाना होगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे कुछ चार्जेस भी लगेगा, यानी 80 रुपये तक यहाँ पे आपको बैंक वाले चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे अराउंड 80 प्लस 65 आप जोड़ लीजिए, 110 रुपये के आसपास हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस, आपको ये जो डॉक्यूमेंट है आपको फिजिकली एक एड्रेस पर सेंड करने पड़ेंगे, ये जो एड्रेस है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे, फिर आपको यहाँ पे टैन मिलेगा। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ। ठीक है, मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, और उस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको एक ऐसा फॉर्म दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको आपने जो अभी PDF फिल की थी आपको प्रिंट आउट निकाल के उसको फिल करना है, फिर स्कैन करके उसको फिर से PDF में बनवा के यहाँ पे आपको ऐड फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। जैसे ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ब्राउज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड की फ्रंट फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, और यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की बैक इमेज अपलोड करनी है। ये यहाँ पे CA जो है वो वेरीफाई करेगा कि यहाँ पे आपकी डिटेल्स सही है कि नहीं सही है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और फिर यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, अपने यहाँ पे फ्रंट अपलोड कर देना, और यहाँ पे मैंने आपको ये पेमेंट मेथड दिया है। ठीक है,
यहाँ पे आपको इस UPI नंबर पे आपको पेमेंट करना है 200 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का पेमेंट कर देना। 200 रुपये फीस है गाइज, यहाँ पे आपको अराउंड 110 रुपये से 150 रुपये तक आपका स्पेंड हो जाएगा अगर जो आप ये सब प्रोसेस करोगे तो। यहाँ पे मैंने आपके कन्विंस के लिए यहाँ पे आपको 200 रुपये प्राइस रखा है, बहुत ही कम है अगर जो आप यहाँ पे कंपेरिजन करोगे, आप काम करोगे जब सबमिट करोगे तो यहाँ पे यार 200 रुपये कुछ भी नहीं है। तो आप इस पर पेमेंट कर देना, जब UPI पे आप पेमेंट करना तो जो UTR नंबर जनरेट होता है फोन पे या गूगल पे जिससे करते हो, तो वो यहाँ पे UTR नंबर यहाँ पे सबमिट कर देना। मैं यहाँ पे पेमेंट पहले इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि गाइज़ यहाँ पे मैं ट्रैफिक ये ऐसा नहीं लोग जाता, जो लोग यहाँ पे सीरियस हैं वही लोग यहाँ पे एप्लीकेशन में उनका एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पेमेंट पहले रखा है। तो यहाँ पे आप UTR नंबर डाल के सबमिट कर देना, जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे ये आपकी एप्लीकेशन मेरे पास आ जाएगी, आपका मोबाइल नंबर सब कुछ आ जाएगा। अगर जो यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो मैं हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, और जैसे ही आपका यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे अलॉट हो जाएगा तो हम आपको यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे आप आपसे कॉन्टेक्ट करके आपको सेंड कर देंगे। अगर जिस फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और जब कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर देना। तो उम्मीद है गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत।